हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ए के पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास वन का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम लोग चैप्टर सिक्स पढ़ेंगे पेंट के बारे में। इसका नाम है पेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज पढ़ेंगे वर्किंग विद टूल्स और आपका आज का टॉपिक है वर्किंग विद टूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टूल्स का दिया हुआ पेंसिल टूल्स, जिसका यहाँ पर ऐसे पेंसिल से शेप रहता है बटन में। दिस टूल इज इन ए टूल ग्रुप। द पेंसिल ग्रुप इज यूज टू ड्राइंग एनी टाइप ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग। इट इज जस्ट लाइक ए ड्राइंग ऑन शीट विद योर पेंसिल। देखिए इसमें क्या है, ये पेंसिल टूल कहाँ मिलेगा, टूल ग्रुप में मिलेगा। दूसरा ये क्या यूज़ होता है, ड्राइंग करने में, फ्री हैंड ड्राइंग करने में आसानी होता है किसी भी टाइप का भाई। फ्री हैंड ड्राइंग जैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं पेंसिल से अपने शीट में। इसका क्या स्टेप है, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन पेंसिल टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, क्लिक ऑन द साइज बॉक्स, सेलेक्ट द विड्थ ऑफ लाइन। नाउ ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया एंड स्टार्ट ड्राइंग। देखिए पहले क्या हम लोग जाएंगे, हम लोग होम टैब में जाएंगे, वहाँ से लोग पेंसिल टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके यहाँ पर इसका लेंथ हम लोग यूज़ करेंगे, वेथ कितना मोटा होना चाहिए कितना पतला होना चाहिए, यहाँ पर लोग सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे इसमें दिया 4 को हम लोग सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करना है, फिर कैसे होगा, हम लोग को माउस को ड्रैग करना है। ड्रैग करिएगा तो वो आपका इस तरह का शेप्स आ जाएगा, ड्रा होने लगेगा। उसी तरह आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब है लाइन टूल के बारे में। दिस टूल इज इन द शेप ग्रुप। यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट, स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लाइडिंग लाइन ऑन द स्क्रीन यूजिंग द लाइन टूल। देखिए लाइन टूल कहाँ मिलेगा, शेप ग्रुप में मिलेगा। और ये क्या करेगा, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और स्लाइडिंग लाइन बनाने में काम आएगा। अब क्या इसका, क्लिक द होम टैब, क्लिक ऑन लाइन टूल फॉर्म शेप्स, क्लिक ऑन साइज बॉक्स, क्लिक द थिकनेस ऑफ द लाइन, ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया एंड मेक द लाइन इन एनी डायरेक्शन। देखिए इसमें पहले क्या है, हम लोग होम टैब में जाएंगे। होम टैब में हम लोग से शेप ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे इसको, लाइन को, ये वाला को, लाइन टूल को। उसके बाद हम लोग उसका वेथ थिकनेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर से थिकनेस सेलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर इसको क्या करना है, जैसे हम लोग जिस डायरेक्शन में जाएँ वो उस लाइन को हम लोग ड्रा कर सकते हैं, आपको माउस को ड्रैग करके। यहाँ फैक्टर बिट क्या दिया हुआ है, यू कैन ड्रॉ डिफरेंट शेप इज यूजिंग द लाइन टूल। हम लोग लाइन टूल से मदद से अलग अलग शेप यूज बना सकते हैं। अब ट्राइंगल टूल क्या है, ट्राइंगल टूल का बटन इस तरह का होता है। दिस टूल इज इन द शेप ग्रुप। यू कैन ड्रॉ ट्राइंगल एंड स्क्वायर विथ दिस टूल्स। यानी हम लोग इस ट्राइंगल टूल के वजह से हम लोग इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं इस टूल से। क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन रेक्टेंगल टूल एंड टूल फ्रॉम शेप, क्लिक ऑन साइज बॉक्स, सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ लाइन, ड्रैग द माउस टू मेक द ट्राइंगल रेक्टेंगल। देखिए पहले हम होम टैब पर जाएंगे, वहाँ से हम लोग यहाँ पर शेप टूल से हम लोग ट्राइंगल टूल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे उसका थिकनेस हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उससे इतना तो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको ड्रैग करेंगे माउस को, उसके बाद वो रेक्टेंगल बन जाएगा आपका आपको ड्राइंग एरिया में। अब क्या ओवल टूल, दिस टूल इज इन द शेप ऑफ शेप्ड ग्रुप। यू कैन ड्रॉ सर्किल और ओवल विथ दिस टूल। इसमें क्या है, ये कहाँ रहता है, शेप ग्रुप में रहता है। और ये क्या है, सर्किल और ओवल हम लोग बना सकते हैं ओवल टूल से। क्या, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन ओवल टूल इन फॉर्म शेप, क्लिक
ऑन द साइज ऑफ बॉक्स, सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ द लाइन, ड्रैग द माउस, मेक द ओवल और सर्किल। अब क्या है, हम लोग कहेंगे टैब में जाएंगे, होम टैब में जाएंगे, उसके बाद हम लोग ओवल से टूल सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल से, उसका थिकनेस हम लोग यूज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग माउस को ड्रैग करेंगे, ओवल बनाना तो ओवल बनाएंगे, सर्किल बनाना तो सर्किल बनाएंगे, इस तरह से आपका सर्किल बन जाएगा या ओवल बन जाएगा। अब फिल विथ कलर, अब फिल कैसे करते हैं कलर को वो बताएंगे। दिस टूल इज इन द टूल ग्रुप, ये कहाँ रहता है, टूल ग्रुप में रहता है। यू कैन यूज दिस टूल टू फिल द कलर इन योर ड्राइंग, ये किसके लिए काम आता है, आपका कलर भरने के लिए काम आता है आपका ड्राइंग में। क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन फिल विथ कलर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, क्लिक ऑन कलर वन बॉक्स, क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैटर्न्स इन द कलर ग्रुप, क्लिक इन द शेप विच इज टू बी फिल्ड विथ कलर, सेलेक्ट द कलर गेट फिल्ड इन द शेप। अब क्या है, पहले हम लोग होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग कलर फिल टूल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पर हम लोग पहला कलर बॉक्स को करेंगे, जैसे एक रेक्टेंगल हम लोग करेंगे, कलर बॉक्स वन में सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से हम लोग कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हम लोग ग्रीन कलर है सेलेक्ट वहाँ से, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लाके शेप ग्रुप में जाके क्लिक करेंगे, तो ये आपका पूरा कलर आपका सेलेक्ट में कलर हो जाएगा, यहाँ क्लिक करने से पूरा कलर रेक्टेंगल में कलर हो जाएगा, इस तरह से हम लोग कलर भर फिल कर सकते हैं। अब इरेजर टूल, दिस टूल इज टू इज इन द टूल ग्रुप, इरेजर टूल इज यूज्ड फॉर इरेजिंग योर ड्राइंग और ए पार्ट फ्रॉम इट। इरेजर टूल क्या करता है आपको पता है, इरेज करने में काम आता है वो आपको ड्राइंग या किसी पार्ट का आपको ड्राइंग का या इरेजर टूल का ऐसा शेप रहता है। क्या, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन इरेजर टूल फ्रॉम टूल बॉक्स, क्लिक ऑन द साइज बॉक्स, सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ द इरेजर, ड्रैग इट ऑन योर ड्राइंग एंड वेयर यू वांट टू इरेज, इस तरह से आपका इरेज हो जाएगा। पहले हम लोग होम जाएंगे, वहाँ से हम लोग इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से, टूल ग्रुप से, उसका थिकनेस यूज़ करेंगे, कितना थिकनेस होना चाहिए इसका, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको जहाँ हम लोग रेज करना है वहाँ लाके इसको क्लिक करके इसको हम लोग ड्रैग करेंगे माउस को, तो वो यहाँ पर देखिए इरेज हो गया, तो इस तरह से हम लोग इरेज कर सकते हैं। अब क्या है, फैक्टर बीट क्या है, यू कैन राइट विथ द इरेज इन द शेप फिल विथ द कलर। देखिए यहाँ पर पहले ये क्या कलर फिल कर दिया, ठीक है, उसके बाद वो इरेजर से लेके जो उसको मिटा के नाम लिखा मैंगो लिखा, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इसमें आपको इरेजर से कलर को इसमें मिटा के दिए, उसके बाद हम लोग फिल भी कर सकते हैं कोई और कलर जैसे येलो कर सकते हैं फिल इसमें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं कंप्यूटर में। चलिए ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चलिए सर एक एक टॉपिक को पढ़िएगा समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा, थैंक यू।